खिलाफ मुंबई कांग्रेस का बेलापुर में प्रदर्शन, राहुल और प्रियंका के साथ हुए बुरे बर्ताव पर भड़के कार्यकर्ता। हाथरस में गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ आज मुंबई कांग्रेस ने बेलापुर में जोरदार आंदोलन किया और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुंबई कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक ने कहा कि योगी सरकार आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है, इसलिए उसने हमारे नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ पुलिस से गलत व्यवहार कराया है। हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। घटना यूपी की नहीं है, घटना एक बेटी के सम्मान की है, घटना एक महिला के सम्मान की है, और उसको सम्मान देने के लिए जब हमारे नेता जाती है या हमारे आदरणीय राहुल गांधी जाते हैं, जो व्यवहार योगी सरकार ने किया, जो व्यवहार मोदी सरकार ने किया, आप बताइए, बाबरी मस्जिद तोड़ी तब हमने मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, अडवाणी जी को प्यार से, प्रेम से, क्योंकि बड़े राष्ट्रीय नेता है, उनको अरेस्ट किया, और आज एक बेटी को विचार पूछ करने के लिए, उस बेटी के परिवार का दुख जानने के लिए हमारी राष्ट्रीय नेता जाती है और उसको ऐसे कॉलर पकड़ते हैं, एक हमारे राहुल जी का धक्का मार नीचे गिराते हैं, इससे बड़ा क्रूर कभी हो नहीं सकता है। ये तो एक किस्म से ब्रिटिश राज में भी नहीं था, तो इसका एक निषेध हम करते हैं। दूसरा, आज की जो मीटिंग हुई है, हमने हाथरस की बेटी को न्याय देने के लिए ये आज सत्याग्रह का बेलापुर में किया है, दो दिन पहले वाशी में किया था, एरोली में किया था, और ये हमारा चालू रहेगा, जब तक उसको न्याय नहीं मिलता हम बंद नहीं करेंगे। आंदोलन में शामिल कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना था कि बलात्कार ये पुरुषवादी मानसिकता का परिणाम है, इसे बदलने की जरूरत है। हम योगी सरकार से मांग करते हैं कि वो इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि फिर किसी अधिकारी की बलात्कारियों को बचाने की हिम्मत ना हो। वहीं सुदर्शना कौशिक ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को सत्ता में रहने का जरा भी हक नहीं है, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, योगी जी का कोई परिवार नहीं है, कोई बेटी नहीं है, तो वो जो ये ऐसी भाषा बोल रहे हैं तो उनको पहले तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, मेरी ऐसी मांगनी है, क्योंकि ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जो जाति पाति में बांटता है, खून गर्म की भाषा बोलता है, ऐसे आदमी का मुख्यमंत्री होना हमारे देश के लिए शर्म की बात है। फिर जो भी ये अब ये कर रहे हैं, एक लड़की का दो बार रेप हुआ है, पहले उसका शारीरिक हुआ, उसके बाद उसकी जो अंतिम विधि की, वो भी एक रेप से कम नहीं थी, क्योंकि उसके परिवार को बंदी बना के छोड़ दिया और अलग से जाके रात के समय उसको अंतिम संस्कार कर दिया उसका। ये मोदी सरकार के कार्यकाल में ही हो सकता है, लेकिन कांग्रेस सरकार कभी भी बैठेगी चुप बैठेगी नहीं, और खासकर हम महिलाएं चुप नहीं बैठेंगे। जब तक उस महिला को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम रास्ते पे उतरे रहेंगे और निषेध करते रहेंगे, और हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, एक महिला को न्याय मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।